तो आज वो दिन है जिस दिन तुंगनाथ महादेव जी के कपाट खोले जाएंगे। तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और तुंगनाथ पर्वत पर अवस्थित है। तुंगनाथ महादेव मंदिर पंच केदारों में से तीसरे केदार पर आता है और इसकी ऊंचाई लगभग 3680 मीटर है। तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ के लगभग बीच में स्थित है। यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम है पीयूष पुरोहित। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम जा रहे हैं चोपता की तरफ तुंगनाथ। तो आज आपको वहां का दिखाएंगे। तो आज जो तुंगनाथ बाबा जी की डोली है वो जाने वाली है चोपता से तुंगनाथ की तरफ। मैं, बुआ और मामा जी निकल जाते हैं सुबह सुबह मक्कूमठ से चोपता की तरफ। और अगर बात करी जाए यहाँ आने की, तो अगर आप उत्तराखंड के बाहर से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सबसे नजदीकी स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप टैक्सी बुक करवा के या बस से चोपता तक आ सकते हो। अभी हम चोपता पहुँच चुके हैं और यहाँ पर से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है, तो दिखाता हूँ आपको। चोपता उत्तराखंड हिमालय की गोद में स्थित एक हिल स्टेशन है, जहाँ से कि आपको त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा सहित हिमालय श्रृंखला के दृश्य दिखते हैं। इसके अलावा यह आकर्षक जगह अल्पाइन बुरांस और देवदारों के पेड़ों से सजी हुई है, जो किसी भी पर्यटक का मन मोहन के लिए पर्याप्त है। आपने चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी सुना होगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको किसी और कंट्री से ना कंपेयर करके इसे चोपता ही रहने दीजिए, क्योंकि चोपता अपने ही में काफी सुंदर है। और तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक भी चोपता ही से शुरू होता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, तुंग यानी कि चोटी और नाथ माने कि स्वामी, चोटियों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ पीक्स। जो ये वाली रोड आती है बद्रीनाथ से, गोपेश्वर से, तो यहाँ से बद्रीनाथ भी जा सकते हो। और जो ये वाली है ये उखीमठ से आती है वाली रोड। तो जो आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है वहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली। तो इस मंदिर से आज तुंगनाथ बाबा जी की डोली तुंगनाथ की तरफ प्रस्थान करेगी। वाले फूल दिखाई दे रहे हैं, ये है बुरांस के फूल, ये देखो। जो अभी डोली है वो अभी आ रही है नीचे से और अभी हम आगे चल रहे हैं जरा। और ये देखो पूरे बुरांस के पेड़ हैं, ये सारे बुरांस के पेड़ हैं यहाँ पर, एकदम बढ़िया लग रहा है। और बीच में ट्रैक, अभी जो मेरी बुआ और हैं वो आगे चले गए हैं पैदल, क्योंकि इस बार यहाँ पर घोड़े नहीं चल रहे हैं। और जो तुंगनाथ मंदिर है वो सबसे हाइट पे है पंच केदार में। तो ये है नीचे चोपता, यहाँ से पूरी नीचे घाटी देख सकता हूँ अभी, क्या मस्त लग रही है। और जो अभी डोली है वो अभी आई नहीं है, तो सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं इनका। और जो यहाँ की हाइट है, जो मंदिर की हाइट है, वो है अप्रॉक्स 3680 मीटर। देखो यहाँ पर पिंक बुरांस भी लग रखे हैं, ये देखो रेड तो आपने देखे होंगे, और यहाँ पिंक भी लग रखे हैं, क्या मस्त लग रहे हैं आज। तो उसके बाद मैं यहाँ पर रुक के डोली का वेट करता हूँ। और उसके बाद डोली जैसे यहाँ पर पहुँचती है, डोली तेजी से भुज गली बुग्याल की तरफ दौड़ती है, जहाँ से कि सामने हिमालय श्रृंखलाएं भी दिखती है।
तो इन प्यारे नज़ारों को इंजॉय करते हुए सभी लोग बढ़ जाते हैं डोली के साथ आगे की तरफ। मैंने हुड जैकेट सब डाल रखा है लेकिन अभी भी ठंडा लग रहा है मेरे को, तो ऐसे ही है यहाँ पर, ठंडा बहुत है। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो जैकेट और एकदम विंटर्स के अच्छे वाले कपड़े लेके आना, जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर है बहुत ठंडा। और मजे की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष काफी लोग यात्रा में आते हैं, जिससे कि यात्रा का मजा दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर पहुंचकर डोली का अच्छे से स्वागत किया जाता है और यहाँ पर डोली विश्राम करती है। और खास बात यह है कि यहाँ पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है मानो इंद्रदेव खुद ही भोलेनाथ जी का स्वागत कर रहे हो। सो गाइस, अभी यहाँ पर तुंगनाथ की डोली रुकी हुई है, विश्राम कर रही है, यहाँ पर स्वागत हो रहा है डोली का। और यहाँ पर रुकी है, पीछे देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है। और यहाँ पर स्नोफॉल भी होने लग गया है, तो देखो अगर दिख रहा होगा आपको तो स्नोफॉल। तो उसके बाद डोली को यहाँ पर रखा जाता है और डोली की पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा जाता है और यहाँ पर स्थानीय महिलाओं द्वारा मांगल और भजन भी लगाया जाता है। तो काफी अच्छे स्वागत के बाद और पूजा अर्चना के बाद डोली का यहाँ से तुंगनाथ की तरफ प्रस्थान करने का टाइम आ चुका था। तो यहाँ पर डोली सभी को आशीर्वाद देके आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है। खाने को एड़ी लगी रोना छोड़ा पानी, कन खाने को एड़ी लगी हे रोना छोड़ा हे धार माकू ये लगी हे याद है मैं तगी। उसके बाद मुझे मेरे बुआ और मामा जी दिखते हैं, जिन्होंने कि अभी तक काफी अच्छा खासा ट्रैक कवर कर लिया है। अब आइस रॉम पहाड़ जय
लागते ऊंचा कैलाश आजो लागते ऊंचा कैलाश आजो लाग जो लाग तो ऊंचा कैलाश आजो लागते ऊंचा कैलाश आजो लाग जो लाग रुण झूणा पानी जो रुण झूणा पानी जो लागी मैं लागी बल मैं तकी कूदाओ मैं लागी मैं तकी कूदाओ जो आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है वो चौखंबा पर्वत है। तो अभी थोड़ा सा और ट्रैक रह गया है और सांस भी फूल रही है क्योंकि खड़ी चढ़ाई एकदम। ये देखो वो है वहाँ पे मंदिर देख सकते हो। आपको सामने पीक दिखाई दे रही है वो है चंद्रशिला। यहाँ पर सभी एज के लोग बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी अच्छे से यात्रा में योगदान दे रहे थे। और यहाँ पर गणेश मंदिर से शंख बजाकर डोली को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर डोली गणेश भगवान जी के मंदिर में जाती है। तो उसके बाद डोली आकाश कुंड के सामने जाती है। तो जो अभी डोली है वो पहुंचने वाली है तुंगनार धाम पे, तो अभी चलते हैं। यहाँ पर ब्लैक आइस जम रखी है जिस वजह से फिसलन भी बहुत है यहाँ पर। तो ये देखो और यहाँ पर ये सारी दुकानें हैं। ये देखो
तो अभी डोली वन देवता के मंदिर में जा रही है। तो उसके बाद तुंगनाथ बाबा जी की डोली तुंगनाथ मंदिर में पहुंचती है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। मंदिर स्वयं में ही कई कथाओं को अपने में समेटे हुए है। कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों काफी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ तो इससे भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए। भगवान शिव को मनाने व प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। तो उसके बाद डोली को यहाँ पर रखा जाता है जहाँ पे माँ पार्वती का मंदिर होता है। तो अब समय आ चुका था तुंगनाथ बाबा जी की डोली को मंदिर में ले जाने का और मंदिर के कपाट खोलने का। शिवलोकमात्मते शिवे सहमोदते।
विर्वाशे माहिदे वाहि तं जदायो। क्या समय रहा है और किन परंपराओं का यहाँ निर्माण किया गया है और आज से छह महीने के लिए भगवान तुंगनाथ के कपाट खुले हैं, इसको लेकर क्या कुछ? आज भगवान तुंगनाथ जी की डोली मठ से कैलाश में यहाँ पे आई। भगवान की जो प्रवेश का समय था वो 11 बजे अभिजीत मूर्त कहते हैं हमारे उसमें, अभिजीत मूर्त में भगवान की मूर्ति प्रतिमाएं जो हैं गर्भगृह में प्रवेश हुआ और आज से 6 माह भगवान की मूर्तियों के भगवान का अनादिलिंग द्वितीय केदारनाथ के रूप में समाधिस्थ थे। आज से भगवान समस्त यात्रीगणों के लिए, भक्तजनों के लिए भगवान का लिंग दर्शन अभिषेक पूजन शुरू होगा। सर्वप्रथम हमारे मठाधीश के द्वारा भगवान का गणेश आदि पंचांग पूजन और दान आदि पूजन होने के बाद भगवान का जलाभिषेक होने के उपरांत भगवान का श्रृंगार होगा। तदुपरांत समस्त यात्रियों को, समस्त भक्तगणों को भगवान को जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और भगवान तुंगनाथ जी पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं, ये सबको विदित है। और भगवान तुंगनाथ जी 6 माह मक्कुमठ में प्रतिमाएं जाती हैं, जो मृकंठ ऋषि की तपस्थली है। 12 महीने भगवान की जो गति स्थल है मक्कुमठ में, मृकंठ ऋषि की तपस्थली में जो है भगवान का 12 महीने पूजन संपन्न होता है। आज से 6 माह प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, भोग आरती और सायंकालीन आरती 6 माह के लिए प्रारंभ हुआ। बोलो तुंगनाथ भगवान की भी हम पहुंच चुके हैं और आज से मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं, तो आप यहां पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं तुंगनाथ बाबा के धाम पे। तो ये देखो, ये रहा तुंगनाथ बाबा का नाम यहां पर एकदम, और यहां पर स्नोफॉल हो रहा है एकदम बढ़िया वाला। तो ये देखो, तो अभी हम दर्शन करेंगे मंदिर के, तब चलते हैं। तो उसके बाद हम दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। दर्शन हो चुके हैं मंदिर के और अभी जा रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखो, घोड़े में चढ़ बैठ के आ गए हेलीकॉप्टर में आ गए, तो वो यात्रा शामिल नहीं। भूतनाथ बाबा। इस मंदिर के पुजारी मक्कुमठ के मैठाणी ब्राह्मण हैं। तो आइए यहाँ के पुजारी जी से मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। ये सामने पर देख लीजिए, सामने ये पंच केदार है। अच्छा अच्छा, ये भैरवनाथ जी है। हाँ। ये माँ पार्वती भगवती की। अच्छा, ये वाला, ये पितृशिला है, जो पितरों का तर्पण दिया जाता है, ये पीछे ही पत्थर है, पितृशिला है। हाँ। ये पीछे जो भगवान के रक्षक हैं भूतनाथ जी। हाँ। ये पीछे है। अच्छा, ये मंदिर, ये बंदे भी है, यहाँ कोई नहीं जाता, केवल ये लोग जो पूजा कर रहे हैं, हम भी नहीं जाते। अच्छा, ये वाला ब्राह्मण लोग नहीं जाते, जो पूजा करते हैं ना ये लोग, वो करते हैं पूजा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मेन मंदिर है शिवालय। शेर की मूर्ति है। हाँ। ये सामने देखे, उसके सामने कोई गांव है, ये सामने बमसुर लमगोंडी। हाँ। तो वहाँ जब ये इसकी स्थापना हुई ना, तो वहाँ शेर लग गया था, पूरे गांव के गांव तबाह कर देते। अच्छा, तो वहाँ से कहीं पता चला तो इसको खंडित कर दिया गया। अच्छा। बीच में दांत है उसका, दांत तोड़ दिया गया, तब वो लोग सुखी से रहे, नहीं तो पूरे गाँव में शेर लग गया था। मंदिर से 1 या 1.5 किलोमीटर दूरी पर चंद्रशिला है, जिसको कि मून माउंटेन भी कहा जाता है, जहाँ की मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब स्वयं को ब्रह्म हत्या श्राप से मुक्त करने के लिए यहाँ शिव की तपस्या की, तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला भी प्रसिद्ध हो गया है। तो अभी दर्शन कर लिए, तो अभी जा रहे हैं वापिस घर, और यहाँ पर बर्फ भी पड़ रही है, इसलिए हम चंद्रशिला की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। और बुआ और मामा यहाँ पर।
बुआ को भी वही लाया होगा, बुआ और जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वो चौकन का पर्वत है, करके सही लग रहा है। और यहाँ पर बहुत तेज बर्फ पड़ रही है, यहाँ पर पूरी बर्फ पड़ी हुई है। ज़्यादा बर्फबारी के कारण हम एक दुकान में रुक जाते हैं जहाँ पे कि हम चाय पीते हैं। तो ये है मेरे बुआ और मामा जी, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस एज में पूरा ट्रैक कंप्लीट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुआ को अस्थमा की बीमारी है, फिर भी बुआ ने अच्छे से पूरा ट्रैक कंप्लीट किया है। तो जो आपको लेफ्ट साइड में पत्थर दिखाई दे रहा है, वहाँ की मान्यता यह है कि अगर वहाँ पे कोई पत्थर फेंक के पत्थर अटका दे तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और ये है खदेड़ पट्टी, ये सामने दिख रहा होगा आपको, मृग ना अपना घास घूस करते हैं फिर पहाड़ों के अंदर छुप जाते हैं। और ये देखो रास्ता ऊपर से कितना मस्त लग रहा है, ये देखो ये रहा बुरांस का फूल, ये देखो यहाँ पर कितने सारे कलर के बुरांस है, ये यहाँ पर वाइट, ये रेड, ये पिंक, ये देखो यहाँ पर मस्त बुग्याल है यहाँ पर पूरा। तो जो लोग अभी केदारनाथ से आ रहे हो सीधा तुंगनाथ की यात्रा पे भी आ रहे हैं, ये देखो क्या मस्त बुग्याल है इधर की साइड। और जो ये वाली साइड है यहाँ पर मोनाल बर्ड रहती है बहुत सारी इस साइड, और यहाँ बरसात के टाइम पे और ग्रीनरी हो जाती है, अभी तो इतनी है और इससे भी ज़्यादा हो जाती है बरसात के टाइम पे। यहाँ पर लोग अपनी गाय वगैरह चराते हैं, बकरियाँ। मुझे देखो यहाँ पर गायें चल रही है, ये देखो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पे वार्निंग बोर्ड लगे हुए हैं जिनको कि आप ट्रैक करते समय ध्यान में रखें। ये देखो ये नीचे यहाँ पर जो ये टेंट लग रहे हैं यहाँ पर खच्चर रहते हैं, और आज हड़ताल है तो इस वजह से खच्चर नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। तो कल से यहाँ पर घोड़े की सवारी भी शुरू हो जाएगी, और अभी 6 महीने तक कपाट खुले रहेंगे तो आप कभी भी आ सकते हो इधर, और 6 महीने के बाद बंद हो जाते हैं। बाकी आप बुरांस के फूल देखो कितने सारे हैं यहाँ पर। जो डोली थी तुंगनाथ बाबा की वहाँ पर थी सुबह तक, यहाँ से निकली है डोली, तो ये है वो लोकेशन। तो उसके बाद हम दुकान में जाके यहाँ पर मैगी खाते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं हम वापस घर के लिए। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ से वापस घर, और ये देखो अभी बारिश हो रही है यहाँ पर भी, ये देखो। तो होप आपको तुंगनाथ बाबा की डोली के ब्लॉग और तुंगनाथ का ब्लॉग पसंद आया होगा, और सब कमेंट में जय तुंगनाथ बाबा लिख देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।